क्या आपके बालों की डेंसिटी बहुत अच्छी थी पहले, लेकिन किसी वजह से आपके बाल गिरना स्टार्ट हुए और डेंसिटी कम हो गई? आपके बालों में से सर की जिल्द नजर आती है? क्या आपके भी बालों में जगह जगह बाल्ड पैचेस बन गए हैं, बालों की जिल्द नजर आती है? क्या आपके बालों की भी लेंथ बहुत कम है और आप परेशान हैं लेंथ को लेकर, जो कई सालों से नहीं बढ़ रही? क्या आप भी कोई पावरफुल रेमेडी ढूंढ रहे हैं बालों को दोबारा उगाने के लिए? तो आज की रेमेडी बहुत इफेक्टिव और चैलेंजिंग है। जी हाँ, मैं चैलेंज करती हूँ कि एक एप्लीकेशन से ही आपके बाल गिरना सब्सिडाइज होंगे। रेगुलर इस्तेमाल से आपके बालों की लेंथ और डेंस में भी इजाफा होगा। जब बालों की जड़ें मजबूत होंगी तो ऑटोमेटिकली आपके बाल खूबसूरत भी होंगे, मजबूत भी होंगे और घने भी होंगे। रेमेडी बहुत ही इजी है, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट है और दोनों ही बहुत पावरफुल और न्यूट्रिएंट्स हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि ये दो इंग्रेडिएंट कौन से हैं और इस रेमेडी में कैसे मैजिक ऐड करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बता दूं, मैं हूं शुमाइला और ये है शुमाइला ग्लैम यूट्यूब चैनल, जहां मैं अपने सब्सक्राइबर के डिमांड और सॉल्यूशन पर डेली एक वीडियो अपलोड करती हूं, जो होती है स्किन के, हेयर केयर और हेल्थ केयर के मुतालिक। अगर आप भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो जल्दी से हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं, जिसके लिए करना है नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन क्लिक, साथ में बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए और बन जाए हमारी फैमिली का हिस्सा। आज के गजब के रिजल्ट देने वाली रेमेडी खवातीन के साथ साथ मर्द हजरात के लिए भी बहुत जबरदस्त होने वाली है। बच्चों के सर में अक्सर चोट या किसी वजह से बाल गिरते हैं, बाल पैचेस बन जाते हैं या बाल बहुत कमजोर हो गए हैं, तो ये रेमेडी आप अपने बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ले लीजिए लौंग, जिसे क्लोव्स कहते हैं और गरम मसाले में इसे इस्तेमाल किया जाता है। लौंग में हाई लेवल एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो बालों में डैंड्रफ और खुश्की को मुकम्मल जड़ से खत्म कर देते हैं और यही वजह बनती है बालों के थिन और कमजोर होने की। मजीद लौंग में एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स पाए जाते हैं, जो बालों की जड़ों में मजबूती पैदा करते हैं, तो बालों को जड़ से मजबूती से पकड़े रखते हैं। तो ले लीजिए 3 चम्मच लौंग और इन लौंग को कूट लीजिए, ज्यादा पाउडर नहीं करना। कूट हम इसलिए रहे हैं ताकि लौंग का इन्फ्यूजन अच्छे से हो सके और हम उस इन्फ्यूजन का अच्छे से फायदा ले सके। तो इस तरह से लौंग कूट लिए हैं, इन कूटे हुए लौंग को निकाल लीजिए और साइड कर लीजिए। नेक्स्ट ले लीजिए अदरक, साइज यहाँ आप देख लीजिए, इतनी ही बड़ी अदरक का टुकड़ा होना चाहिए, 3 से 4 इंच का आई थिंक ये टुकड़ा है। अब इस अदरक के पीस को क्रश कर लीजिए बारीक। अदरक का इस्तेमाल आपके बालों के स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। इसमें मौजूद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हेयर फॉलिकल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और हेयर ग्रोथ साइकिल को प्रमोट करते हैं, यानी कि आपके बालों की ग्रोथ में इजाफा करते हैं। तो क्रश की हुई अदरक को बाउल में डाल लीजिए और साथ ही इसमें ऐड कर दीजिए कूटे हुए लौंग, जो कि ऑलरेडी हमने कूट लिए थे। नेक्स्ट इसमें ऐड कर लीजिए 1 कप ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। तेल को आपने किसी भी चीज से अल्टरनेट नहीं करना, यहाँ आप कोकोनट ऑयल भी यूज नहीं कर सकते, सिर्फ आपने यूज करना है जैतून का तेल। तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 2 से 3 घंटे के लिए इसे ऐसे ही रख दीजिए, ताकि अदरक और लौंग जैतून के तेल में ब्यूटीफुली इन्फ्यूज हो सके। तो 2 घंटे बाद पैन लीजिए और ये मिक्सचर पैन में डाल दीजिए, हल्की आंच पर पका लीजिए जब तक कि अदरक का पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए। 10 से 15 मिनट के बाद इस तरह से अदरक हो जाएगी, तो फ्लेम ऑफ कर लीजिए और इसे ठंडा कर लीजिए। जब ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसे छान लीजिए। जबरदस्त इन्फ्यूजन हमारा रेडी है आपके बालों की ग्रोथ के लिए। अब बारी आती है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की, तो ऐड कर लीजिए 2 चम्मच कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल भी इसे कहा जाता है। तो कैस्टर ऑयल की थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये सबका फेवरेट नहीं होता। अगर आपको पसंद नहीं है या किसी वजह से आप इसे यूज नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट ऐड कर लीजिए सिर्फ 1 चम्मच लौंग का तेल, अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें हमने एडिशनल ऐड की थी। लौंग और अदरक का जो इन्फ्यूजन हमने ऑलरेडी ऐड किया है वो असल जादू है, बाकी इसमें चीजें जो है वो एक्स्ट्रा मैजिक है, जैसा कि पिज्जा के साथ एक्स्ट्रा चीज मिल जाती है। तो मिक्स कर लीजिए अच्छे से और चंद लौंग भी ऐड कर दीजिए, ताकि खुशबू हमें एंड तक मिलती रहे। जबरदस्त ऑयल हमारा रेडी है, सीरियसली इतना पावरफुल है ना कि सिर्फ मेरे कहने से एक बार अप्लाई करके देखें। बालों की जड़ों में लगाए हाथों की उंगलियों से रूट्स में लगाते रहें और ऑब्जर्व करते रहें अपने स्कैल्प में। अगर बाल्डनेस और सीरियस हेयर फॉल है ना तो आप इसे डेली यूज करें, अदरवाइज हफ्ते में 2 बार तो इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ग्लास बॉटल में डालकर लंबे अरसे के लिए महफूज कर सकते हैं।
तो हो गई ना आज आपकी हेयर फॉल और बाल्डनेस की प्रॉब्लम भी दूर। तो किस किस मेरी फैमिली में बॉयज और गर्ल्स को एक्सट्रीम हेयर फॉल का सामना है कमेंट में बताएं, ताकि हम उनसे जुड़े रहें जब तक फाइनली उनका हेयर फॉल कम ना हो जाए या खत्म ना हो जाए। वीडियो पसंद आई है ना तो जल्दी से लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन है प्रेस कीजिए और फॉलो कीजिए। अगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स में किसी को इस वीडियो की जरूरत है तो शेयर भी कर दीजिए। तो मैं मिलूंगी कल एक नए मैजिक के साथ। कौन सा मैजिक चाहिए ये भी कमेंट में बताएं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।